नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और आज है हमारे साथ राजशेखर सेन, जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है अमेरिका के शहर पोर्टलैंड ओरेगन में। इसके अलावा वो स्क्रोल और वायर और न्यूज लॉन्ड्री वगैरह में लिखते भी रहते हैं, बहुत ही खास विषयों पर। इसके अलावा वो पॉडकास्टर भी हैं, जो शायद भारतीय जनता पॉडकास्ट नाम का कोई पॉडकास्ट। हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत बहुत स्वागत है राजशेखर सेन। मेरी दिलचस्पी इसमें हुई कि जब मैंने आपका ये लेख पढ़ा, खासतौर पर ये ताज़ा लेख जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री में छपा, जिसमें मेरा ध्यान इस बात पर अटक गया कि आपने किस किस प्यार से और किस सफाई से इस बात को सामने रखा, जो कि हम हिंदी पढ़ने और बोलने और पॉडकास्ट करने और उसका इस्तेमाल करने वाले लोग और सबसे ज़्यादा पीड़ित जिस विषय से हम लोग हैं, कि ये जो अकेलापन और उदासी और उसका इंटरनेट से क्या रिश्ता, और उसमें ये जो खास तौर पर अभी अचानक उग कर कुकुरमुत्तों की तरह अचानक जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और ये यूट्यूबर्स आ गए हैं, तो ये सब एक ऐसी तिकड़ी या कहिए कि चौकड़ी बन रही है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजशेखर। धन्यवाद। जैसे हम शुरू कर रहे हैं, मैं आपसे एक बस गुजारिश करूंगा, आप मुझे राजशेखर राजशेखर बार बार ना बोले, ऐसा लगता है कि कोई बहुत दूर का आदमी है। आप या तो राज बोले या शेखर बोले, दोनों चलेगा मुझे। और आई मीन, मैं जब आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया और जब मुझे पता चला कि मतलब मेरा ये आर्टिकल आप तक भी पहुंचा है, और आप एक ऐसी शख्सियत है जिनको मतलब मैंने दूर से देखा है, आपके बड़े बड़े यू नो आर्टिस्ट और थिंकर्स के साथ के इंटरव्यूज देखे हैं, तो खुद को थोड़ा सा प्राउड महसूस हुआ आई गेस। बट गोइंग बैक टू ये जो पीस मैंने लिखा है उस, और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये अकेलापन और लोनलीनेस वाले टॉपिक से इसको पिक किया है। इस मुझे ऐसा लगा, मुझे जो फीडबैक मिला, और फीडबैक जब मैं कह रहा हूँ तो आप तो खुद भी मतलब इस काइंड ऑफ ट्विटर वगैरह के उसमें है, तो आप जानते हैं कि फीडबैक हर तरफ से आता है कई बहुत। तो एक फीडबैक जो मुझे लगा यश कि लोग शायद इस बात को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाए हैं जब मैं लोनलीनेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि हम लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं, या कई लोगों ने कहा कि ये तो आप अमेरिकन स्टाइल लिविंग के हिसाब से आप बता रहे हैं। बट एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हम मिस कर जाते हैं वो ये है कि शायद जो पोस्ट लिबरलाइजेशन जेनरेशन है इंडिया की, जिसने लिबरलाइजेशन के बाद एजुकेशन और नौकरी वगैरह पाई है, वो देर आर एक्सेप्शन इसके पहले, बट लार्जली वो पहली जनरेशन है जो अपने घरों से, छोटे शहरों में अपने घरों से इतनी दूर आ जाती है नौकरी करने के लिए। मैंने एक स्टैट अपने आर्टिकल में शेयर किया है कि बैंगलोर की आबादी आज की डेट में मोर देन 50% इज फिल्ड विद पीपल हु आर नॉन नेटिव टू बैंगलोर। और ये सब लोग कौन है? ये सब लोग वो हैं जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ इंडिया या अलग अलग जगहों से नौकरी एजुकेशन के लिए बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे जाते हैं। फिर हम सभी जानते हैं कि कितने सारे हमारे यंग बच्चे कोटा जाते हैं आईआईटी और मेडिकल एग्जाम्स की ट्रेनिंग करने, और ये सब लार्जली वो पहली जनरेशन, और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली में पहले हैं जो इतनी एजुकेशन पाना चाह रहे हैं और उसके लिए इतनी दूर जा रहे हैं या ऐसी नौकरियां कर रहे हैं। और ऐसी जगह पे मूव होने के बाद लाजिम है कि एक तरीके का लोनलीनेस आ ही जाता है जो अपनी फैमिली से पहली बार इतनी दूर है। और क्योंकि हमारे सोसाइटी में इसकी हिस्ट्री नहीं है, घर मैं अपने फादर की बात कर सकता हूँ, जो बेसिकली जिस शहर में वो पैदा हुआ है उसी शहर में उन्होंने इंजीनियरिंग करी, उसी शहर में आउटसाइड ऑफ लाइक 2-3 ईयर्स उसी शहर में उन्होंने नौकरी करके भी रिटायर हो गए जी। और तो और अगेन एज
शायद ऐसे लिखने का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि आप खुद को बार बार सेकंड करेक्ट करते रहते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँ कि हाँ, देर इज अनदर जनरेशन हमारे से भी पहले, जो कि शायद एक पार्टीशन की जनरेशन है, जिस जो अपने घरों से बहुत दूर आए, बट वो भी अकेले नहीं। मतलब पार्टीशन के हॉरर को एक तरफ रखते हुए मैं सिर्फ मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, तो अकेले मोस्ट केसेस में नहीं आए, अपनी फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज के उस तरीके से आए। तो घर से दूर वो भी गए, पर जिस तरीके से घर से दूर हम इस पोस्ट लिबरलाइजेशन जनरेशन, और हम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को, मेरी एजुकेशन वगैरह भी 90s की, तो मैं खुद को भी उसी जनरेशन का पार्ट मानता हूँ, और हम जिस तरीके से गए हैं वैसा नहीं हुआ है। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ हाँ, तो और उसका एक साइड इफेक्ट जो शायद हम श्योर हम सोचते हैं, बट शायद उस सरफेस लेवल के बियॉन्ड नहीं सोचते कि तो वो क्या कर रहा है वो बच्चा। अच्छा, एक और चीज जिसमें ऐड है कि हिंदुस्तान और लार्जली साउथ एशिया इज अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृ सत्तात्मक। और तो जब हम बात कर रहे हैं लोगों के बाहर जाने की, तो अ मेजोरिटी ऑफ दीज पीपल आर यंग बॉयज, राइट? तो वो क्या कर रहे हैं और वो किस तरीके से डील कर रहे हैं अपने इस अकेलेपन से? जहां आप मूव होते हैं वहां पे आपकी दोस्ती होती है और वो एक नेचुरल पार्ट है लाइफ का, पर अभी ये वो बच्चे हैं जो कई दफा 16 17 18 साल के हैं, 19 20 21 22 साल का भी बच्चा यंग ही होता है, कितना ही जानता है, और बगैर किसी फादर फिगर या पेरेंटल फिगर की अपनी लाइफ में वो कहाँ जा रहा है एडवाइस लेने के लिए, चीजों को समझने के लिए। और इन सब के बीच में जो एक नया इंटरसेक्शन आया है वो है फ्रीली अवेलेबल इंटरनेट का, जो कि एक फिनोमेना है जो पिछले 5 6 सालों में, 10 सालों में, शायद उससे भी कम, 10 साल से भी कम में काफी काफी बढ़ गया है। और अब हर किसी के पास एक फ्रीली अवेलेबल इंटरनेट है, डेटा है, तो वो बच्चा वहां जा रहा है और क्या क्या ढूंढ रहा है, जो जो आपने कहा कि वहां पर ये इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं और ये इन्फ्लुएंसर्स इनको किस तरीके से, किस रास्ते मोड़ रहे हैं, उसके ऊपर मैं लिखना चाह रहा था। ये एक्चुअली अगर मैं तो ये लोनलीनेस की बात जो मैं क्लियर करना चाहता था, उसके अलावा एक दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता था वो ये कि ये लिखने का आइडिया भी मेरे दिमाग में इसलिए आया है बिकॉज जैसे कि आप और मैं जब भी इंटरनेट पर जाते हैं तो छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप्स अलग अलग चीजों के देखते हैं, तो उसमें से एक फेमस पॉडकास्टर बोलूं या मेरे मतलब वीडियो कास्टर बोलूं, जो भी होना चाहिए, काफी यंग एक फेमस है, नाम ले सकता हूँ क्या? मुझे नहीं हाँ हाँ पता। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बियर बाइसेप्स के नाम से उनका प्रोग्राम है, जी। और उन्होंने हिटलर के ऊपर एक कुछ कमेंट किया अपने गेस्ट के साथ, तो मैं चौंक गया वो सुन के, और फिर धीरे धीरे और कुछ उनकी क्लिप्स देखे और उन उनके तरह के लोगों के कुछ और क्लिप्स देखे, तो मुझे समझ में आया कि ये बेसिकली आई एम श्योर ये अपने तरफ से पूरी प्रिपरेशन और तैयारी करते होंगे, पर मुझे ऐसा लगा कि इनकी हिस्टोरिकल और एक लिटरेचर और एक दुनिया की अंडरस्टैंडिंग के तौर पे तैयारी थोड़ी सी हल्की रह जाती है, और शायद उस वजह से जब वो आते हैं तो वो कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो आपको चौंका देती हैं कि हिटलर हिटलर वॉज वेल वन ऑफ द बैड गाइज, या ऐसा कुछ कहना, जो कि मतलब आई डो नॉट इवन नो कि हम कैसे ऐसा बोलते हैं। तो और ये इंडिया के सबसे ज्यादा सुने देखे जाने वाले पॉडकास्टर हैं, और ये लार्जली इनको वही अर्बन यूथ देखता है जो अर्बन यूथ बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर में रहता है, और जो अर्बन यूथ छोटे हमारे इंदौर भोपाल कानपुर जैसे शहरों से इन इन जगह जा रहे हैं, और वो भी उन्हें देख रहा है, और उसका उस पर क्या असर होता है। उस वजह से मैंने सोचा कि
इस चीज को लिखा जाए, एक इंडियन औसतन एक महीने में 29 घंटे YouTube पे बिताता है, जो कि शायद जो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। तो क्या कर रहा है YouTube पे? ये डेटा कहाँ का है, मैंने इसको कैसे कोरोबोरेट कर सकते हैं ये जो डेटा आप बोल रहे हैं? हाँ, ये एक्चुअली मैंने मेरे आर्टिकल में भी है और उस आर्टिकल में लिंक भी है। अच्छा। तो statista.com एक वेबसाइट है जो इस तरीके के इंटरनेट ट्रैफिक के बारे में डेटा देती है। तो उसमें आप इंटरनेट ट्रैफिक, यूसेज, डेमोग्राफिक और उसके अंदर यूट्यूब या अलग अलग कोई भी प्लेटफॉर्म, उसके डेटा के ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं। अगर आप न्यूज़ लॉन्ड्री में, जो भी ये सुन रहे हैं वो न्यूज़ लॉन्ड्री में अभी जाके वो आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये सब लिंक मिल जाएंगे उसमें भी। और हम इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल देंगे न्यूज लॉन्ड्री वाला, जहां से वो इस लिंक तक पहुंच सकेंगे हमारे सुनने वाले। जी, तो आप कह रहे थे कि यूट्यूब पर करीब करीब 29 घंटे औसतन भारतीय गुजार रहे हैं, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर का कोई आंकड़ा है। हाँ, दूसरे नंबर का आंकड़ा, पहले नंबर पे साउथ कोरिया है। पर खैर, वो साउथ कोरिया और भारत में अंतर यह है कि हमारा इंटरनेट यूजर लार्जली यंग है, और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो काफी हम एक साल में जितने नए इंटरनेट यूजर्स ऐड करते हैं अपनी पॉपुलेशन में, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और उसी आर्टिकल में मैंने एक और स्टडी लिंक की है। ये स्टडी 2017 की है। 2017 में एक स्टडी की गई थी साउथ इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस एंड यूसेज ऑफ फेसबुक, एंड उन्होंने पाया कि जो लोग ज़्यादा फेसबुक यूज़ कर रहे हैं उनमें लोनलीनेस भी ज़्यादा पाई गई। नाउ ऐसी स्टडी यूट्यूब और पॉडकास्टिंग के लिए नहीं की गई है, पर 2017 में जो फेसबुक था जिस रूप में, आज कहीं ना कहीं अब 6 सालों में पॉडकास्टिंग और ये जो यूट्यूब के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, वो बन चुके हैं। तो मैं ये 100% नहीं कह सकता कि 2017 की स्टडी आज भी लागू होती है, पर मेरे पास कोई और कोई रीजन भी नहीं है ये कहने का कि नहीं लागू होनी चाहिए। तो ये दो बातें कहते हुए आप कुछ शायद कहना चाहते थे, उसको आगे बढ़ाइए कि ये तो YouTube पर जो एक बड़ी आबादी लगी हुई है, इसके अलावा साउथ इंडिया के की ये जो स्टडी 2017 की, इन दोनों बातों को कहकर आप आगे क्या बात बढ़ाना चाह रहे थे, मतलब पिछली बात से कुछ जुड़ी हुई? हाँ, बात ये है कि तो ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि इंटरनेट यूसेज काफी बड़ा है हमारा इंडिया में, और YouTube यूसेज काफ़ी बड़ा है, और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अकेली है और इंटरनेट पे जा रही है ढूंढने के लिए चीज़ें, चाहे वो लाइफ सब लाइफ कोचिंग हो, लाइफ एडवाइस हो, या कोचिंग ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड कोचिंग, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म, एजुकेशन रिलेटेड चैनल्स भी काफ़ी हैं जिनको लोग YouTube पे जाते हैं ढूंढने के लिए। मेरे आर्टिकल में मैंने एक चैनल को मेंशन किया, स्टडी IQIAS नाम का एक चैनल है YouTube पे, जो जैसा कि नाम है वो बच्चों को IAS एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। ऐसी खान सर या और भी अलग अलग चैनल हैं YouTube पे जो ये करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका क्या लेना देना है, इन सब चीज़ों का क्या लेना देना है कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स से? तो वो है जो वो मेरा दूसरा पॉइंट था मेरे आर्टिकल का, कि डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स और लिबरल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स इज, और अगेन ये अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम बहुत देर बात कर सकते हैं, पर लार्जली दुनिया की हिस्ट्री बताती है और हमारे इंडिया की भी रीसेंट हिस्ट्री बताती है कि कंजर्वेटिव आइडियाज बेचना आसान होता है। इनफैक्ट हम एक काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी हैं और
वैसे ही तो हम अपने घरों से ही कंजर्वेटिज्म सीख कर निकलते हैं, और इस ये हर तबके की बात है और हर धर्म जो है उसमें है इंडिया में, तो कंजर्वेटिव आइडियाज हमारे साथ रेजोनेट भी बहुत करते हैं। एक एक थ्योरी होती है सोशल साइकोलॉजी में, जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जो बेसिकली ये कहना चाहती है कि जब हम अपने दुनिया में और अपने समाज में बड़े हो रहे होते हैं तो हम अपनी और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होते हैं, तो हम दुनिया को उन्हीं नज़रों से देखते हैं जो नज़रें हमें हमारे माता पिता और हमारे एक्सटेंडेड फैमिली ने दी होती है। तो हमें सब कुछ ऐसा लगता है जैसा जैसा उनके थ्रू। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि, और ये मजाक में मैंने कई बार कहा है कि हर कोई कहता है कि मेरे पिताजी सबसे ज्यादा आदर्शवादी हैं, तो फिर भाई किसका पिताजी जो घूस खा रहा है और घूस ले रहा है और दे रहा है? हमारे ही किसी के पिताजी होंगे। पर हम जब बड़े होते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे जो लोग हैं, हमारी फैमिली, माय एंसेस्टर्स, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना मुश्किल होता है, बिकॉज वही तो हमारी आइडेंटिटी होते हैं। तो वहां से निकलते हैं जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस ऐसे काम करते हैं कि दुनिया में जो है वो सब मेरे आसपास जो है वो सब ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है उसका उसकी जड़ में वो दूसरा होगा जिसको मैं जानता नहीं हूँ। मेरा वर्ल्ड जस्ट है, तो जो भी अनजस्ट है इस वर्ल्ड में वो मेरे वर्ल्ड के बियॉन्ड होगा। ये है। तो इस वजह से जब हम छोटे होते हैं और हमारी माँ हमें कहती है कि बेटा तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें रिक्शा चलाना पड़ेगा, छोटी सी बात है, बट ये लाइन ये अज्यूम करती है कि वो रिक्शा वाला और मैं, हम दोनों में अंतर बस ये कि उसने पढ़ाई नहीं करी और मैंने पढ़ाई करी, जबकि सच ये है कि कई सारे सोशल, इकोनॉमिक और तरह तरीके के बर्डन्स थे उस इंसान पे जो आज रिक्शा चला रहा है, और वो मुझ पर नहीं थे। मेरा प्रिविलेज है कि मैं जहाँ मैं पैदा हुआ और जो भी मुझे मिली अपॉर्चुनिटीज, बट हम बहुत आसानी से कहते थे बेटा पढ़ोगे नहीं तो आपको रिक्शा चलाना पड़ेगा। एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जहाँ पे तो खैर ज्यादा उस तरफ हाइपोथेसिस का क्या नाम ले रहे हैं आप? जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जस्ट वर्ल्ड, जस्ट वर्ल्ड, जस्ट यानी कि जस्टिस का जस्ट, तो जस्ट वर्ल्ड। और तो बेसिकली क्यों मैं इस हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कि हम सब, और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से जब भी हम अपना पहला कदम उठाते हैं दुनिया को समझने का, तो हम लार्जली इस फिनोमेना से गुजरते हैं जहाँ पे हम पहला जो तरीका होता है हमारा दुनिया को देखने का वो निकलता है खुद की छोटी सी दुनिया को सही, सच्चा, आदर्शवादी ठहरा के प्रॉब्लम्स को बाहर ढूंढने का। और इसीलिए अब भी मैंने आपको रिक्शा वाले वाला एग्जांपल दिया, बट और इसीलिए जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है फॉर एग्जांपल, उसका इसीलिए इतना इजीली विरोध किया जा सकता है, क्योंकि हम लार्जली जो हमारा दुनिया देखने का तरीका है वो एक मिडिल क्लास लेंस से है, और उस लेंस में हमें ऐसा लगता है कि जिसको भी ज़रूरत है वेलफेयर की वो या तो लेजी है या डिजर्व नहीं करता है या ज़्यादा चाहने की लालसा है उसमें। तो इसीलिए हम जब फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, ये इस पॉलिटिक्स का आप देखेंगे मिडिल क्लास में काफ़ी एक पुशबैक होता है इसको लेके, बिकॉज हमने लार्जली आज़ादी के बाद के जो भी 50-60 साल के जो वेलफेयर पॉलिटिक्स, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सस्ती पढ़ाई से लेकर हमारे पेरेंट्स की गवर्नमेंट सिक्योर गवर्नमेंट जॉब्स से लेकर एक राशनिंग का सिस्टम जहाँ पे सबको एक बराबर गवर्नमेंट के थ्रू रिसोर्सेज मुहैया कराए जाते हैं, तो वो सब हमने ले लिया है। अब हम सुपर उठ गए, अब हम लिबरलाइज वर्ल्ड में आ गए, और अब हमने से कई लोगों ने नेक्स्ट स्टेप ले लिया इकोनॉमिक्स में हमारी लाइफ की। पर अभी भी जिसको ज़रूरत है उसको हम इस लेंस से देखते हैं, बिकॉज हम ये एक्नॉलेज करना या ये सेल्फ एग्जामिन करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई आज अगर इस देश में प्रॉब्लम है और हमारे आसपास प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उसके जड़ में मैं, मेरी फैमिली, मेरे एंसेस्टर्स, ये कास्ट सिस्टम, सोशल जो
सेग्रीगेशन है, वो सब भी है। खैर, तो पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंजर्वेटिव आइडियाज इजी टू सेल होते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि वेलफेयर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए, और दूसरा इंसान आकर कहता है कि नहीं, रिसोर्सेज मेरिट के हिसाब से बढ़ने चाहिए और रिसोर्सेज पे कोई वेलफेयर नहीं होना चाहिए, वेलफेयर जो मांगता है वो आपके रिसोर्सेज खाना चाहता है, या अगर मैं कहूँ कि रिजर्वेशन होना चाहिए बिकॉज देर इज़ ए हिस्टोरिकल यू नो सेग्रीगेशन जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, और जब तक डेमोग्राफिक ग्रुप्स के बेसिस पे रिजर्वेशन देके सभी को एक साथ एक लेवल पे नहीं लाया जा सकता, तब तक सोसाइटी उस ढंग से आगे नहीं बढ़ेगी। तो कहते हैं कि तो भी यही आर्गुमेंट दिया जाता है कि तो फिर रिजर्वेशन इज ए नेगेटिव, बिकॉज क्या तुम अभी जैसे बात चल रही है इसरो में रिजर्वेशन नहीं होता, होता है, बट वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अनडिजर्व्ड और डिजर्व्ड का आइडिया हमारा बस ये है कि उसने वो एग्जाम जो हुआ है उस एग्जाम में उसके कितने नंबर आए हैं, और वो तय करेगा कि कौन अनडिजर्व्ड है और कौन डिजर्व्ड है। और उसके उस एग्जाम देने से पहले जो मेरी लाइफ थी और आपकी लाइफ थी, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, शायद मेरे घर में एक एक्स्ट्रा कमरा था मेरे पढ़ाई करने के लिए, और या मेरे माँ बाप पढ़े लिखे थे, या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी दुनिया की जो की कम एग्जाम्स की जो जो उस दूसरे के पास नहीं थी, वो सब मैटर नहीं करता है। उस एग्जाम में उस दिन मेरे नंबर और उसके नंबर में क्या अंतर है, बस वो मैटर करता है। अब ये समझाना जो मैंने आपको ये सब समझाया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये समझाना कि सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट के हिसाब से सब कुछ मिलना चाहिए क्योंकि दैट इज जस्ट, वो ज्यादा आसान है। ये समझाना कि फेमिनिज्म जरूरी है क्योंकि सोसाइटी पेट्रियार्कल है और औरतों को उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, और या उस तरीके से नहीं मिले हैं, और वो समझाना ज्यादा मुश्किल है बजाय कि ये समझाना कि देखो ये लोग तुम्हारे तुम्हारे हक की चीजें तुमसे छीनना चाह रहे हैं। मैंने चार एग्जाम्पल्स डाले हैं उसमें कि इंडिया में हमें डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। इंडिया में फॉर एवरी सिक्स, और ये डेटा लेटेस्ट नहीं है तो मतलब शायद इससे कुछ बेहतर हुआ होगा, बट लास्ट जो डेटा मिला हर 60,000 लोगों पे एक डॉक्टर होता है। यूएस में हर 1,000 लोगों पे एक डॉक्टर होता है। तो हमें डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट सोल्यूशन अगर मैं ये बोलूँ कि हमें बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए, बहुत सारे नए डॉक्टर तैयार करना चाहिए, तो समाव ये डिस्कशन का हिस्सा नहीं। डिस्कशन ऐसे है कि मेडिकल एग्जाम में रिजर्वेशन का क्या हाल है, या हम सब ऐसा फील करते हैं कि हम अंडर पेड हैं और ओवर एक्सटेंडेड हैं, काफ़ी काम करना पड़ रहा है। तो आंसर ये नहीं कि हम कैपिटलिस्ट सिस्टम से सवाल करें और पूछे कि तुम प्रॉफिट खा रहे हो और हमें उसमें से शेयर उस हिसाब से क्यों नहीं मिल रहा। नहीं, सोल्यूशन ये है कि हम उस बांग्लादेशी मुसलमान, या जो कई मोस्ट केसेस में बांग्लादेशी भी नहीं होते, बस बेचारे बंगाली मुसलमान होते हैं, उन पर बोले कि ये बाहर से आ गए और ये लोग की यू नो ये लोगों को इन लोगों को बाहर करो। दुनिया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास कम पैसा है। कुछ लोग मतलब एक 1% हैज अ लॉट मोर देन 99%। और इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम हमारे कैपिटलिस्ट सिस्टम और सोशल सिस्टम को सवाल करें। हमारा सोल्यूशन ये है कि हम एक ग्रुप, चाहे वो लिटरेंस मीडिया हो या खान मार्केट गैंग जिसे कहते हैं, उसको ब्लेम करें और सारे प्रॉब्लम्स वहां से निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स के पास हमेशा एक सिंपल सोल्यूशन होता है चीज़ का, क्योंकि कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स का गोल है स्टेटस को मेंटेन करना, चीज़ें जैसी हैं, चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको मेंटेन करना। जब हमारे प्रधानमंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत बोलते हैं, तो वो ये अक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं, या शायद कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स में कोई भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि एक भारत नहीं है, इस भारत में कई भारत हैं, और अगर उन सब भारतों को एक साथ लाना है तो हम एक भारत के आइडिया से शुरू नहीं कर सकते हैं। हमको हमारे उन सब लोगों को देखना जो लाइफ जो इकोनॉमिकल सिचुएशन में, सोशल सिचुएशन में बहुत अलग अलग जगह है, और पहले उनको बराबरी पे लाने की बात करनी है बिफोर वी से एक भारत। और एक भारत होता भी क्या है, क्या क्या डाइवर्सिटी खराब चीज़ है क्या?
क्या अलग अलग तरीके से, आज आज मैंने जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, मैंने उसको एक तरीके से समझा, सोचा और लिखा, किसी दूसरे इंसान ने नहीं सोचा। अगर सारी दुनिया ही मेरे जैसे, मेरा क्लोन हो, तो वो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? और सारी दुनिया ही अगर आपका क्लोन हो, तो वो कैसी दुनिया होगी? तो ये, पर ये जो मैंने बोला, अगेन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और इस पर हम बहुत अंदर तक जा सकते हैं, जबकि कंजर्वेटिव आइडियाज बहुत इजीली सेल होते हैं। खैर, तो कहने का मर्म ये है मेरा कि फिर होता यह है कि जब ये बच्चे YouTube पे जाते हैं और ये इन इन्फ्लुएंसर्स से मिलते हैं, जब बियर बाइसेप्स की बात करें, बियर बाइसेप्स शुरू हुए थे लाइफ कोचिंग और रोमांटिक के लिए कैसे किसी लड़की को कैसे अप्रोच करें, इस तरीके के एडवाइस से शुरू हुए थे। पर वो आर्टिकल अगर आप पढ़ते हो, मैं ये कहना चाहूँ कि अगर विदाउट पॉलिटिक्स, विदाउट हैविंग योर ओन पॉलिटिक्स, इफ यू गो इन टू एनी प्लेटफॉर्म एंड स्टार्ट टॉकिंग, एक फीडबैक लूप क्रिएट हो जाता है आपके ऑडियंस का और आपका, और इनएविटेबली वो आपको राइट विंग कंजर्वेटिज्म की तरफ ही पुश करेगा, बिकॉज क्यों राइट विंग क्यों कंजर्व क्यों क्यों बिकॉज राइट विंग कंजर्वेटिस्ट आइडियाज आर इजी टू अंडरस्टैंड, सीम लाइक एन इजी सोल्यूशन, एंड यूजुअली पीपल, यूजली मैन इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम कंजर्वेटिव आइडियाज, एंड इफ योर ऑडियंस इज मोस्टली मैन एंड यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू बेनिफिट देम, इवेंचुअली इट विल बी लाइक दैट। अगर आपको, आप ऑफिस में हैं और आपने कुछ ऐसा बोल दिया, भद्दा सा चुटकुला किया जो किसी मतलब महिलाओं पे या माइनॉरिटी कम्युनिटी पे का मजाक उड़ा रहा है, या उनका किसी स्टीरियोटाइप का मजाक उड़ा रहा है, और आपको कोई रोकता है, तो दो चीजें हो रही हैं। एक चीज तो ये कि क्लियरली वहां पे डाइवर्सिटी है, क्योंकि कोई रोकने वाला है, क्योंकि हिस्टोरिकली तो महिलाएं और माइनॉरिटीज ऑफिसेज और ऐसी जगहों पे थे ही नहीं, तो कोई रोक रहा है, तो मतलब कोई आया है। पर दूसरा चीज जो ये हो रही है, वो ये हो रही है कि अब मैंने जिसके जो आप देख लें, कपिल शर्मा में, कपिल शर्मा जैसे शोज हैं इंडिया में, जहाँ पे आदमी औरत बन के हंसी मजाक करते हैं, और बट ऑफ जोक ये है कि अरे देखिए वो मोटी है या वो काली है, या और इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर हजारों स्टेरियोटाइप्स है, राइट? तो कोई रोक रहा है, तो मतलब डाइवर्सिटी है। और पर मुझे बुरा लग रहा है, राइट, एज अ प्रिविलेज मैन, क्योंकि मेरे मेरे घर में मेरे पिताजी तो ऐसे चुटकुले हमेशा सुनाया करते थे, तब तो हंसते थे, या मेरे ताया मामा फुफ्फड़ सब ये ऐसी बातें तो करते थे, तो अब क्या हो गया अचानक? एंड हो ये गया कि सोसाइटी थोड़ी सी बेटर हुई है, थोड़ी सी आगे बढ़ गई, और वो जो थोड़ा सा पुशबैक मिला है आपको, जिसको प्रिविलेज की आदत है, उसको ऑपरेशन ऑपरेशन की तरह लगता है, और क्योंकि वो ऑपरेशन की तरह लगता है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि खुद के साइकी को डिफेंड करने के लिए मैं कंजर्वेटिव आइडियाज की तरफ जाने लगता हूँ, और एक फीडबैक लूप बन जाता है जो शुरू हुआ था नॉन पॉलिटिकल प्रॉब्लम से, कि भाई मैंने अपने ऑफिस में एक भद्दा जोक मारा और ये लोगों ने इस तरीके से रिएक्ट किया, और उसका जवाब है कि हाँ यार, ये लोग ओवर सेंसिटिव हो गए हैं, पॉलिटिकली करेक्ट होने का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया हम लोगों पे, और ऐसे ओवर सेंसिटिव लोग जो आ गए हैं, ये माहौल ख़राब कर रहे हैं, जबकि माहौल आप ख़राब कर रहे हैं, पर आपको अभी तक किसी ने रोका नहीं था। खैर, ये एक एग्जाम्पल है, पर आप कोई भी टॉपिक उठाइए जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, द कंजर्वेटिव आइडिया इज द सिंपलर आइडिया, और जब आप कंटेंट बना रहे हैं और इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, तो नेचुरली आप उस तरफ जाएंगे, और आपको फीडबैक भी वैसा मिलता है। अब मैंने जैसे तीन चार एग्जांपल दिए आपको, आप अभी कोई भी एक बड़ा मुद्दा उठा लीजिए और देखिए, तो आप पाएंगे कि द मोर लिबरल प्रोग्रेसिव व्यू पॉइंट इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज इजेंशली
her liberal progressive viewpoint is asking you to do one thing. It is asking you to examine your own situation, your own condition, and then sometimes it asks you to go beyond it. अगर मैं एक अपर कास्ट हिंदू हूँ इंडिया में, तो सारी चीज़ें तो मेरे हिसाब से बनी हुई है. अब इस चीज़ को भी कई लोग पुश बैक करेंगे, बट सच्चाई ये है कि आप शायद पॉपुलर कल्चर से लेकर न्यूज़ रूम में न्यूज़ रीडर कौन है से लेकर सारे IAS ऑफिसर्स कौन हैं से लेकर हमारे 90% प्राइम मिनिस्टर्स कौन हुए हैं से लेकर आप कुछ भी देखें, तो हम देखेंगे कि भारत अपर कास्ट हिंदू यूजुअली मैन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है. पर होता यह है कि जहाँ पर भी किसी भी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ भारत में, तो शायद उस जड़ में भी यही प्रॉब्लम है कि भारत अपर कास्ट हिंदू मैन के लिए ऑप्टिमाइज है. तो मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम का प्रोग्रेसिव सोल्यूशन ढूंढना है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि हाँ भाई, मुझ जैसे लोगों को बहुत मिल गया, अब उनको मिलना चाहिए जिनको पहले नहीं मिला है. बट ये क्या इतना आसान है? ये इतना आसान नहीं है ना. और कंजर्वेटिव आइडिया कि अरे ये लोग तो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, चीज़ों में क्या प्रॉब्लम थी, अभी तक ज़्यादा चल रहा था उसमें क्या खराबी थी, स्टेटस को से क्या मुश्किल है. इट्स एन ईजी सोल्यूशन ऑन मी, एंड इफ आई ओन ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर एंड ऑल द सोशल प्रिविलेज, आई विल पुश फॉर दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन. एंड दैट इज वॉट यू सी. हम बात करें इन्फ्लुएंसर्स की, पर आज का जो हमारा न्यूज़ मीडिया है, वो उसका जो रिएक्शन है वो भी इसी स्टेटस को बचाए रखने के लिए है ना. खैर, मैंने काफ़ी बात करी, आई एम श्योर कि आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे, तो मैं पॉज करता हूँ. ठीक है, तो मैं इसी पर फिर वापस जाता हूँ. जो शुरू की दो बातें थी जहाँ से हमने शुरू किया था, एक तो ये कि ये जो आपका छोटे शहरों कस्बों और गांव से निकलकर आप जब एक अर्बन लोनलीनेस और सैडनेस की एक इकोसिस्टम में होते हैं, तो वहां आपका सहारा वो एक इंटरनेट और ख़ास तौर पर ये चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे वो फेसबुक सोशल मीडिया, वो आपके लिए एक एक अल्टरनेटिव फैमिली की जैसी कुछ तलाश का होता है. यही बिहेवियर अगर आप यूपी बिहार बंगाल राजस्थान पंजाब हरियाणा इस एरिया के से हटकर अगर आप साउथ में जाएं या वेस्ट में जाएं या नॉर्थ ईस्ट में जाएं, इधर के जो ये जो जनरेशन पढ़ाई के लिए या नौकरियों के लिए जब दूसरे बेंगलोर या चेन्नई या दिल्ली शहरों में जब जाते होंगे, तो इनके भी बिहेवियर में आपको लगता है कि अपने नॉर्दर्न इंडिया या कहिए जो हिंदी पट्टी के लोगों के यूज़र पैटर्न से कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखती है? क्योंकि अगर यही जस्ट वर्ड की बात कर लें, लोनलीनेस और सैडनेस में कोई एक नई तलाश की बात कर लें, और ऐसे में ये जो घूमते हुए शिकारी हैं जो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स को कहीं जाने अनजाने वो इंजेक्ट करने के टूल बने हुए हैं, मतलब एजेंसी बने हुए हैं जिसमें हम लोग बियर बाइसेप की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको दोनों में कुछ कहना है? मतलब अगर हम हाँ, तो हमने लार्जली, पर ये फिनोमेना सिर्फ हिंदी बेल्ट का नहीं है. अच्छा, एक चीज़ है कि हिंदी पट्टी के लोगों, स्पेशली हिंदी पट्टी के अर्बन अपर मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा मूव करना पड़ता है आज की जनरेशन में, सिंपली बिकॉज नौकरीज और एजुकेशन वहाँ पर नहीं है. कैपिटल निकल गया है वहाँ से, और कैपिटल बेंगलोर बॉम्बे और दिल्ली है, पर इन जैसे शहरों की तरफ ज़्यादा है. पर बियर बाइसेप्स तो एक क्या बोलना चाहिए, एक 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 सिंबल है. आप इस ऐसे ऐसे जैसे एक है अभी एनियो, दे आर फ्रॉम द साउथ, ऑल्दो देयर कंटेंट इज इन इंग्लिश, एंड देन देयर आर मेनी पीपल. अब जैसे प्रवीण मोहन, बहुत कई सारे नाम लिए जा सकते हैं. अब सबसे बड़ आजकल राइट विंग
जो जो मार्केट है रादर, उसमें एक सबसे बड़ा नाम है जेएसआई दीपक का, जो जो सबरीमला वाले कोर्ट केस के बाद से काफी फेमस हुए थे। और उनका खुद का कोई पॉडकास्ट तो शायद नहीं है, पर वो इन सब पॉडकास्ट के बहुत ही रेगुलरली फीचर्ड होने वाले गेस्ट्स में से हैं। तो ये फिनोमेना तो आप वहां पर भी देखते हैं। और लार्ज पॉइंट ये है कि लोनलीनेस इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज पुशिंग दीज पीपल, बट देर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, राइट? अल्टीमेटली मेरा मेरा साथ वाला क्या देखता है उससे भी मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ, और मेरे फीड में क्या चीज़ें आ रही हैं उससे भी मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ। और बेसिकली हमारा एल्गोरिथम इंटरनेट में, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, इस तरीके से बना होता है कि वो ना जाते हुए भी इस तरीके का, मतलब ट्विटर का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जहाँ पे अगर आप भी अपने फॉर यू वाले फीड में जाएंगे तो आपको भरे हुए राइट विंग कंटेंट मिलेगा, सिंपली बिकॉज दैट इज द कंटेंट दैट इज बीइंग क्रिएटेड द मोस्ट। देर आर नॉट एज मैनी, देर आर सम लेफ्ट विंग प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव बोलना थोड़ा सा ज़्यादा, लेफ्ट विंग इश सेंट्रिस्ट कॉन्टेंट, पर क्योंकि मैंने कहा कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझाना, और उनके वीडियोस बड़े होते हैं, तो वो उस तरीके से नहीं फैल पाता। हमने बिना वैसे की बात करी, एक पॉडकास्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, वो सीन एंड द अनसीन, जिसको अमित वर्मा होस्ट करता जी, है, और उनके एक एक एपिसोड 5-5 घंटे के हो जाते हैं कई दफ़ा, क्योंकि वो उस गहराई में जाके बात करने की कोशिश करते हैं। और आज के समय में मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता उनकी लिसनरशिप कैसी है, पर क्लियरली ब्रेव वाइसेप्स के बराबर तो नहीं है। और उसका कारण भी यही है कि बियर बाइसेप्स आपको देता है छोटे छोटे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आप एक आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। और आप सीन सीन पर जाते हैं तो आपको आराम से डाइजेस्ट करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। या फिर दूसरा एक तरीका है कि जैसे भारतीय जनता पॉडकास्ट हो गया या अनुराग माइनस वर्मा हो गया, जो कंटेंट में कुछ हद तक एक सैटायर है, पर उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो किसी नए इंसान को बदल नहीं रहा है। वो यूजली जैसे इंग्लिश में प्रीचिंग टू द क्वायर, यानी कि जो लोग ऑलरेडी आपसे अग्री करते हैं उन्हीं के लिए एक कंटेंट तरह के बना रहा इको चैम्बर है। हाँ का। हाँ तो वो परेशानी है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं एक साउथ इंडियन हूँ, और मैं किसी तरीके से बियर बाइसेप्स देखने लगा। बियर बाइसेप्स इंग्लिश भी करते हैं, और अब बियर बाइसेप्स, तो जैसे ही मैं देखने लगा तो उस मेरे शो में आपको आनंद रंगनाथन मिल जाएंगे, जे एस आई दीपक मिल जाएंगे, और फिर बियर बाइसेप्स देखते हुए ये लोग नॉर्मलाइज हो जाएंगे, और फिर मैं इनका काम ढूंढूंगा। और बेसिकली ये एक किस्म का क्या नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे जैसे हमने बीर वाइस से बात करी, एक है संदीप माहेश्वरी जो लाइफ कोच है, जो बेसिकली अपना बिस्तर बनाओ और रोज एक्सरसाइज करो, इतना इतने लीटर पानी पियो से शुरू होती है बात। पर अब वो भी मोदी जी की स्पीच को, मोटिवेशनल स्पीच, और किस तरीके से उसको मोटिवेशन मिलता है उस स्पीचेस से, उसमें आ गए। और अब संदीप माहेश्वरी बियर वाइसेप्स के शो में जाते हैं, बियर वाइसेप्स के शो में जे एस आई दीपक आते हैं, इन सबके शो में अभिजीत चावड़ा आते हैं। और ये बेसिकली मैं आपको जो समझाने की कोशिश करूँगा, ये कि संदीप माहेश्वरी जो अपनी लाइफ ठीक करें, रोज एक्सरसाइज करें, वो उनके शो में अगर बियर वाइसेप्स आते हैं, और फिर मैं बियर वाइसेप्स को देखता हूँ, तो बियर वाइसेप्स के शो में मैं देखता हूँ कि एक अभिजीत चावड़ा नाम का व्यक्ति आ रहा है, जो अभिजीत चावड़ा मेरे हिसाब से तो एक टिन पॉट कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे। अब वो फिर अभिजीत चावड़ा के एक चैनल है जिसमें वो ऐसी बातें करेंगे, तो अब बियर वाइसेप्स में अभिजीत चावड़ा नॉर्मलाइज कर दिया। अब अभिजीत चावड़ा ने अपने शो में कहा कि गांधी वाज़ अ सीआईए एजेंट, अब वो बात मेरे लिए नॉर्मल होगी। तो मैंने शुरू हुआ था संदीप माहेश्वरी को देखते हुए, जो कह रहा था कि बिस्तर बनाओ, एक्सरसाइज करो, और 2 लेवल नीचे ही उसी के शो के थ्रू, बियर बाइसेप्स के थ्रू, अभिजीत चावड़ा कह गया, जिसने गांधी को सीआईए एजेंट बोल के उसके ऊपर एक 15 मिनट का वीडियो बना दिया,
और इन्हीं सबके शो में जेएसआई दीपक और आनंद रंगनाथन जैसे लोग आ रहे जो किताबें लिख रहे हैं कि हिंदू इंडिया में 8th ग्रेड सिटीजन है, 2nd ग्रेड सिटीजन भी नहीं, 8th ग्रेड सिटीजन। तो धीरे 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 ये कंजर्वेटिज्म नहीं, राइट विंग रेडिकलाइजेशन भी नॉर्मलाइज होता जा रहा है ना मेरे लिए। तो पॉइंट ये है कि एक बार चाहे मैं नॉर्थ इंडियन हूँ चाहे साउथ इंडियन हूँ चाहे मतलब किसी भी एरिया से हूँ, एक टच मुझे जहाँ मिलता है इस कंटेंट का और एक बार एक चीज़ जब नॉर्मलाइज होती है तो एक प्याज के छिलकों की तरह है जो हर लेयर के अंदर बहुत आसानी से अगले लेयर तक मुझे ले जाती है। और फिर आप यकीन नहीं करेंगे ऐसे वीडियोस हैं जो जो कहते हैं कि हमारी इंडिया की जो आज़ादी है वो एक 99 ईयर्स की लीज पे है ब्रिटिश से, और जब ये 99 ईयर्स हो जाएंगे 2046 में तब हम वापस ब्रिटिश डोमिनियन बन जाएंगे। अब मैं मतलब और मुश्किल ये है कि अब मैं YouTube, हम सब यंग हैं, इंप्रेशनेबल हैं ये सारे लोग, और YouTube में वीडियो में कोई आके ऐसी ऐसी बातें कर रहा है और ग्राफिक्स अच्छे हैं और क्वालिटी प्रोडक्शन की अच्छी है, और उसके ऑपोजिट एक तो या तो कोई आवाज़ें हैं नहीं, और अगर हैं तो वो अथॉरिटी नहीं है, वो रीच नहीं है, और उस वजह से वो एक बच्चे के लिए ये सब चीज़ें मतलब समझना बहुत ईजी हो जाता है, ऑब्जॉर्व करना बहुत ईजी हो जाता है। आप देखिए कि पिछले कुछ एक डेकेड से जो प्रोग्रेसिव तबका है और प्रोग्रेसिव आइडियाज इंडिया के, वो सिर्फ डिफेंसिव गेम ही खेल रहे हैं। वो बेचारे एक के बाद एक, जब एक राइट विंग कुछ नया आता है तो उसको किसी तरीके से बस डिफेंड करने में लग जाता है। चाहे वो आज आज की डेट में हम उस देश में हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल जस्टिस के नाम पे लोग के घर रौंद दिए जाते हैं बुलडोजर पे, और अभी हम किसी तरीके से कोशिश करेंगे वो चीज़ ना हो। मतलब हम धीरे धीरे कहाँ आ गए हैं। और ये नॉर्मलाइजेशन सब ऑब्वियसली यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की वजह से नहीं हुआ है, बट यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और इस तरीके के लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर्स प्ले अ ह्यूज रोल इन नॉर्मलाइजिंग दीज काइंड ऑफ वायलेंसेस। अच्छा, इसमें अगर ऐसे सोचें राज, बल्कि ऐसे अप्रोच करने की कोशिश करें कि जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है उसको लेकर थोड़ी सहानुभूति हमें रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरकार उस घर से तो वो इरादा करके चला नहीं कि वो आज जब YouTube पर या सोशल मीडिया पर या इंस्टाग्राम रील में वो क्या देखेगा, और इस तरह से वो किसी डिजिटल क्रिएटर को एक दिन बड़ा कामयाब आदमी बना देगा। हम उसके लिए एक सहानुभूति रखते हुए अगर ये सोचें, और साथ में इनके लिए जो अचानक सतह पर आते हैं और उनके साथ एक पूरा जो स्टेट रिसोर्सेज हैं वो भी लग जाते हैं। मैं अगर बियर बाइसेप की बात करूं, मेरे लिए तो ये देखना दिलचस्प है कि जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में दो दो डिकेट, तीन तीन डिकेट से काम कर रहे हैं, उन तक के लिए जो रूलिंग पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के सामने अक्रॉस द टेबल बैठकर बात करना ख्वाब की तरह है, जबकि बियर बाइसेप अचानक उभरे हैं और देखने को मिलता है कि वो, हाँ, तो वो बिग पावर सेंटर्स के बीच में बैठ रहे हैं। इसका मतलब कुछ कुछ है जो थोड़ा फिशी है, और ये कौन है, अचानक ये कहाँ से आ गए, और कैसे इनको ये पैटर्नेज मिल रहा है। तो अगर इसके दो हिस्से कर दें, मतलब कंटेंट जो क्रिएट किया जा रहा है और कंटेंट जो कंज्यूम किया जा रहा है, और उस पर थोड़ा गौर करके, क्योंकि आखिरकार हमारे लिए काम की जनता तो यही है जो ये समझ तो जाए कि कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है गड़बड़, और तब आप कंटेंट को कंज्यूम करते वक्त एल्गोरिथम का तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो इनबिल्ट है। फिर लेकिन आप एक ऑब्जेक्ट की पैसिव रिसीवर की तरह ना होकर कुछ थोड़ी आप सब्जेक्टिव खोज भी कर सकें। इस पॉडकास्ट से अगर हम अपने सहनागरिकों को, फेलो सिटीजन्स को थोड़ा भी अगर समझा पाएं या समझ पाएं हम और आप मिलकर, तो शायद हम लोग कहीं पहुंच पाएंगे। आपने इस पर गौर किया है? हाँ, मुझे मुझे बहुत सहानुभूति है
सुनने वालों से, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये लोग पॉलिटिक्स ढूंढने नहीं निकले थे इंटरनेट पे, ये लोग तो अपने लोनलीनेस की सोल्यूशन ढूंढने निकले थे, या जो भी वो फील कर रहे थे इमोशनली उसका सोल्यूशन ढूंढने निकले थे। पॉलिटिक्स तो एज अ साइड इफेक्ट उनको मिल गया। दूसरी चीज़, अच्छा मैं आपको एक साइकोलॉजी कैसे काम करती है हम सबकी उसके बारे में एक छोटा सा एनेक्डोट बताऊंगा। ये डेटा नहीं है, ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ, एक किस्सा। तो मेरे कजन है, ये आज, ये अब अभी की बात नहीं है, आज से 10-15 साल पहले की बात, 10-12 साल पहले की बात है। फेसबुक के यू नो पीक पे था, और उन्होंने कुछ ऐसा शेयर किया है जो वेरीफाइबली फॉल्स था। वो कुछ ऐसा था कि जो इन्फोसिस के सीईओ है नारायण मूर्ति, वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली मुझे जब भी मैं ग्लोबल स्टेज पे जाता था तो मुझे इंडियन होने पर शर्म आती थी, क्योंकि कोई इंडिया को मैं गरीब और स्नेक चार्मर्स की दुनिया एकदम देखता था, पर अब जब मैं मोदी को देखता हूँ तो मुझे पहली बार हिंदुस्तानी होने पर गर्व होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने उनको, अपने मेरे कज़न ने जिन्होंने शेयर किया, मैंने उनको बोला कि बॉस दिस इज इनकरेक्ट, और मैंने उनको प्रूफ दिए भाई, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला, ये फेक है जो भी काम है। और उनका फर्स्ट रिएक्शन उस चीज़ पर ये था कि ओके मुझे अच्छा लगा। नाउ द रीजन मैं ये बता रहा हूँ इज कि हम सब कहीं ना कहीं ढूंढने निकले हैं जो हमें अच्छा लगता है। और मैंने उस आर्टिकल में भी लिखा था, और ये मैं अपने दोस्तों को, सा आस पास वालों को हमेशा कहता रहता हूँ, ऑरवेल ने कहा, जॉर्ज ऑरवेल ने अपने 1984 नॉवल में कहा था कि लोगों के पास अगर दो चॉइसेस है, हैप्पीनेस और फ्रीडम, पीपल विल चूज हैप्पीनेस। तो हम वहां पर हैं नाउ। ये थोड़ा सा टॉपिक जिस जिस पे आप गए, और वो थोड़ा सा अलग टॉपिक, बट क्यों स्टेट का पेट्रोनेज मिल रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि स्टेट ये देख रहा है कि ये एक तरीका है जिससे मैं बहुत लोगों तक पहुंच सकता हूं, और मैं क्या, मेरे मिनिस्टर्स जब बियर बाइसेप्स में जाते हैं तो कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी, जो स्क्रिप्ट है उसके बियॉन्ड नहीं जाया जाएगा। और मुझे हैरान करती है ये बात, क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा लाइफ एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को दिया है, तो जाहिर बात है कि वो उस आइडियोलॉजी में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते होंगे, तो उनको तो क्यों क्वेश्चनिंग से बचना चाहते हैं। अगर मैं हूँ और मुझे कुछ ऐसा लाइफ का वो फलसफा मिल जाए जिसमें मैं इतना स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, तो फिर मैं तो और कहूँगा कि हाँ आप आओ मुझसे पूछो उसके बारे में, क्योंकि उसी बहाने शायद मैं आपको कन्वर्ट कर सकूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो मतलब सही है, और मेरे हिसाब से दुनिया, इंडिया को या दुनिया को बेटर कर देगा, तो फिर मैं क्यों आपको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा उस चीज़ में। बट समहाउ दिस इज नॉट है, दिस इज नॉट समथिंग दैट आर करंट लीडरशिप फील्स लाइक डूइंग। आई डोंट नो वाई इट इज, एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्पेक्यूलेट ऑल्सो, पर द रीजन दैट दे आर गोइंग टू बी एडवाइसेस इज बिकॉज दे कैन टॉक अबाउट थिंग्स विदाउट बींग क्वेश्चन बैक। आज हम अगेन, हम ऐसे इंडिया में जहाँ पे रवीश कुमार के पास 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, क्या रवीश कुमार एक लायक जर्नलिस्ट नहीं है कि कोई भी एक दूसरा न्यूज चैनल को कुछ जॉब ऑफर कर सके? क्यों रवीश कुमार को कोई भी न्यूज चैनल जॉब ऑफर नहीं कर रहा, जबकि कई सारे जर्नलिस्ट अभी पिछले 3 महीनों में, 4 महीनों में इन्होंने एक चैनल से दूसरे चैनल में गए हैं, आप भी जानते हैं, कई सारे नाम दिमाग में आएंगे। तो फिर कुछ तो कारण है, और वो कारण यही है कि एज फार एज द रिजीम इज कंसर्न, उनका दे वॉन्ट टू, जस्ट लाइक दे वॉन्ट टू बुलडोज होम्स विदाउट केयरिंग अबाउट जस्टिस, दे वॉन्ट टू बुलडोज इन देयर आर्ग्यूमेंट्स विदाउट रियली केयरिंग अबाउट द वेट इट कैरीज। और अगेन ये मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यही इनका यही, दिस विल बी द नेगेटिव इवेंचुअली।
बिकॉज दे आर नॉट सो नॉट यूज टू हैविंग डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड बींग क्वेश्चन अबाउट देयर आइडियाज. देर विल कम अ टाइम वैन दैट विल लीड टू द डाउनफॉल. खैर तो खैर तो आपका जो पेट्रोनेज वाला सवाल था उसके उसका जी मेरे दिमाग में यही रिस्पॉन्स आता है कि दिख रहा है कि एक एक बी एम आई का एक वीडियो मिलियंस मतलब 20 मिलियन व्यूज भी पा जाता है, तो फिर मुझे क्या जरूरत है मुझे किसी न्यूज चैनल के पास जाने की. और आई मीन दिस इज हाउ द मार्केट इज चेंजिंग एंड आई मीन क्रेडिट टू देम कि दे आर नो लाइक हाउ टू काइंड ऑफ कैपिटलाइज दैट एंड इट्स इजी आल्सो ना. तो वो भी है, पर उससे ये भी हो रहा है ना कि अब आप सोचिए कि अगर मेरा फॉरेन मिनिस्टर एक ऐसे शो में जा रहा है जिस शो के किसी दूसरे एपिसोड में ये कहा गया है कि नेहरू और गांधी CIA एजेंट थे, और किसी तीसरे शो में ये कहा गया है कि हिटलर उतना बुरा आदमी नहीं था, तो मतलब एज समवन हुज वॉचिंग ऑल दीज थ्री एपिसोड्स, व्हाट एम आई गेटिंग? आई एम गेटिंग कि एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर हुज ऑब्वियसली समवन हु कम्स विद अ लॉट ऑफ अथॉरिटी एंड पावर is basically validating everything else that goes on in different episodes. That अब अगर आपके आपके शो के एक एपिसोड में मैं आता हूँ और दूसरे एपिसोड में कोई दूसरा इंसान आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम दोनों की ओपिनियंस से आप अग्री कर रहे हैं, पर आपके हिसाब से हम दोनों वो सेम प्लेटफॉर्म डिजर्व करते हैं, राइट? और ये प्रूव हो रहा है. तो आई डोंट नो कि नेक्स्ट क्या है, पर ये थोड़ा सा डरावना तो लगता है मुझे. अच्छा, जब ये आप बात अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मतलब अगर मेरी कोई आइडियोलॉजी है या मैंने अपना जीवन कुछ एक सोचते हुए गुजारा है तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए किसी के सामने. हाँ, लेकिन एक दूसरे लेख में अगेन मैं उसका भी जहाँ पे जिक्र थोड़ा सा कर दूँ, जो जिससे करीब 3 साल पहले आपने लिखते हुए ये इस नतीजे पे आप पहुँचे कि एक खास तरह की मर्दानगी की कोई तलाश है यार, तो अभी तो मौका है कि जब सच को मर्दानगी के साथ कहा जा सकता है तो फिर छुपने की क्या जरूरत है. मेरा आप सही कह रहे हैं, पर असली में वो जो है जो 56 इंच है और जो भी उसके आसपास का शोशा आप देखते हैं, मेरा एनालिसिस ये है कि जैसे कहते हैं ना कि जो जो खाली बर्तन ज्यादा बचता है वैसा वो है. सो बेसिकली देर इज अ लॉट ऑफ द करंट हिंदुत्व मूवमेंट इन इंडिया इज अ रिजल्ट ऑफ ये जो जो मर्द मैस्कुलिनिटी के लिए हिंदी में मर्दानगी इज अ गुड वर्ड, बट वो मैस्कुलिनिटी को कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि मैस्कुलिनिटी ये कहना चाह रही कि पुरुष होना और पुरुष होने में जो भी सारी चीज़ होती है, प्रोटेक्टर मतलब ट्रेडिशनली प्रोटेक्टर अर्नर एंड स्पीशी को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाना, वो सारी चीज़ें जो भी ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी में आती हैं, उन सब में कहीं ना कहीं एक लेवल की एंग्जाइटी आ गई है या एंग्जाइटी थी शुरू से ही जिसने इस मूवमेंट को खड़ा किया है. अब आप देखिए ना कि क्यों 1930 में B.S. मुंजे मुसोलिनी से मिलने जाते हैं इटली, और क्यों अपनी किताबों में गुरुजी गोलवलकर लिखते हैं कि हमें फासिस्टों से सीखना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र खड़ा करने की जो जो गोल है उसके बियॉन्ड एक सेंस है कि
हिंदू मैन नीड टू प्रूव दैट दे आर मैन इनफ. और इसके उस आर्टिकल में भी और उसके बाद भी कई कई जगह मैंने कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल दिए. जैसे नाथुराम गोडसे, नाथुराम गोडसे का नाम नाथुराम इसलिए पढ़ा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि तो वो जब वो शायद 2 या 3 बहनों के बाद पैदा हुए थे और उनके माँ बाप ने शुरू में उनको ऐसे लड़की रखा, मतलब लड़कियों वाले ड्रेसेस पहनाते थे और नाथू वॉज नथू बिकॉज अपेरेंटली उनके उनको नथ पहनाई गई थी शुरू में, तो वो नथुराम बने. खैर मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि उससे क्या इफेक्ट हुआ और क्या इफेक्ट नहीं हुआ, पर वो जब गांधी के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि गांधी जो फादर ऑफ द नेशन है उसमें मैं he's like a Nataraj, he's like a effeminate father of nation, he's not truly father. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रोजेक्शन है जो नाथुराम गोडसे करते हैं खुद की मैस्कुलिन क्वेश्चनिंग को और वो गांधी बिठाते हैं. तो आपका जो सवाल है कि अ लॉट सच, अब चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे आपके यू नो जो मोदी जी के लिए या योगी जी के लिए जो जिस अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स और आइडियाज किए जाते हैं, वो 56 इंच या मैं भी चौकीदार यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, या एंग्री हनुमान के स्टिकर्स आप देखते हैं जो कार में आजकल, ये सब एक साइन है कि देर इज अ डीप. और एक्चुअली अच्छा किया गया आपने ये पॉइंट उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि दीज आर मोस्टली मैन हु आर लुकिंग फॉर इन्फ्लुएंसर्स एंड दीज आर मोस्टली मैन हु आर लुकिंग टू गेट एडवाइस ऑन लाइफ इंक्लूडिंग हाउ टू इंटरेक्ट विद वुमेन. एंड देर इज एन इंटरसेक्शन. होता क्या है कि व्हेन यू हिंदुत्व आइडियोलॉजी एक तरफ, अभी एक मिनट के लिए साइड में रहते हैं, मैं एक आम एक नॉर्मल बच्चा जब जो एक अपर क्लास हिंदू घर में पैदा होता है और बड़ा होता है, तो हमारे चाहे घर की जो 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 कहानियाँ हों और जो 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 फोकलोर कहते हैं जिन्हें, उन सब में उनके जैसे लोगों को महिमा मंडित किया गया है, राइट. और फिर हमारी फिल्में जो हों, हमारी फिल्मों के हीरो राहुल राज और रोहित होते हैं, और यूजली वो राहुल मल्होत्रा और रायचंद और इस तरीके से होते हैं जो आइडेंटिफाइबली अपर कास्ट हैं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं. तो यू ग्रो अप विद दिस अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इज फॉर यू टू मैनेज एंड ओन, बट देन यू रियली go into the workplace or khuda na khasta get go abroad or understand India's position, because you are India, India is you, globally, if you understand India's position globally, there's a shock, there's a setback, because the reality of what you grow up with, your just world ideas do not match with what is the reality of your society or India or the way India is seen in the world. And that is a shock to your system. And that shock to your system is also something that you deal with by reaching out to all these different channels, avenues, jo aap comforted feel karate hain. Par Hindutva movement or masculine anxiety ke baare mein main एक बात करना चाहूँगा. एक एक्चुअली एक ऐसे में लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कब आएगा बाहर, बट आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि भाई बिकॉज मैं ये जो लव जिहाद मैंने बोला, राइट, तो 1920 में जो यूनाइटेड प्रोविंस था जी, वहाँ पर
1920 में पैम्फलेट देयर आर केसेस, जो चारू गुप्ता की किताब है सेक्सुअलिटी ऑब्सिनिटी इन इंडिया, चारू गुप्ता प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन अ यूनिवर्सिटी इन वॉशिंगटन, तो उनकी किताब है। तो उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि किस तरीके से 1920s में पैम्फलेट बांटे जाते यूनाइटेड प्रोविंस में कि तुम्हारी हिंदू बेटियों को ये मुसलमान किडनैप कर लेंगे और कन्वर्ट कर लेंगे और शादी कर लेंगे। और उसी दौरान नॉवल्स लिखे जा रहे थे, उसी दौरान मतलब मैं जब उस दौरान बोलता हूँ तो हिस्ट्री में 50 years इज लाइक अ नॉर्मल पीरियड, कॉमन पीरियड। तो इसी दौरान नॉवल लिखे गए शिवाजी व रोशनारा, जहाँ पे एक फिक्शनल लव स्टोरी लिखी गई है जहाँ पे शिवाजी जो औरंगजेब की बेटी रोशनारा को शिवाजी से प्यार हो जाता है और वो अपने बाप की पूरी लाइक प्रॉपर्टी और पावर छोड़ के शिवाजी के साथ रहना चाहती है। दैट इज हाउ मैस्कुलिन शी फाइंड्स शिवाजी। तो कहीं ना कहीं 1920s में भी हम जाके देख सकते हैं कि एक मैस्कुलिन एंग्जाइटी है जिस उसी दौरान गीता प्रेस गोरखपुर आता है और वो अपनी मैगजीन्स निकालना शुरू करता है जिसमें नारी अंक होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि नारी को किस तरीके से रहना है भारतीय नारी को, और उसमें भी उन्हीं तरीके के स्टीरियोटाइप्स यूज़ किए जाते हैं मुस्लिम ये मेन के लिए। मेरा आकलन ये है, एंड अगेन मैं जो भी कह रहा हूँ आपके सामने प्लीज़ सुनने वाले समझिए कि मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, मैं और मेरा रिसर्च है और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उतनी अथॉरिटी हूँ जितने कोई भी दूसरा जो पढ़ रहा है और लिख रहा है और समझ रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लें। पर मेरा कहीं ना कहीं एनालिसिस ये है कि व्हेन द वॉर ऑफ 1850 द फर्स्ट रेवोल्यूशन द फर्स्ट वॉर ऑफ 1857 हैपेंस एंड द ब्रिटिश फोर्सेस सी हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स फाइटिंग टुगेदर, दे गेट कंसर्न्ड एंड दे रियलाइज कि भाई वी आर वेरी स्मॉल इन नंबर्स एंड इफ वी डोंट kill this thing in the bud, it could become a really big problem for us in the future. So what they do right after 1857 is ki wo kuch groups ko India mein martial races ka tamga dete hain aur kuch groups ko non-martial races bana dete hain. Bahut interestingly agar aap dekhe ki kinko martial races banaye gaye aur kinko non-martial races banaye gaye, to aap ye dekhenge ki wo sare log jo 1857 ke war mein ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किए वो सब उन सब ग्रुप्स को नॉन मार्शल बता दिया गया और वहाँ से रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया ब्रिटिश आर्मी में, और जो ग्रुप्स उनके साथ लड़े उनको मार्शल रेसेस बना के उनसे ही लार्ज नंबर्स में रिक्रूटमेंट किया गया। ओवर द नेक्स्ट 50-60 years मेरा अजम्पशन ये है कि दैट क्रिएटेड अ साइकोलॉजी ऑफ मैस्कुलिन एंग्जाइटी in the races that were deemed as non-martial. And if you look at the rise of Hindutva in India, it starts from areas where the recruitment for army had reduced to a great degree. Central India, Maharashtra, a lot of its initial ideology comes from Bengal. Aur ye sare एरियाज वो है जहाँ से ब्रिटिश आर्मी लार्ज नंबर रिक्रूट नहीं कर रही थी, और इसका असर इतना ज्यादा है कि आप यकीन करेंगे 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान बनते हैं तो जो पाकिस्तान की आर्मी है 1947 में जो पाकिस्तान की आर्मी होती है उसमें 95% जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल मार्शल रेसेस से आते हैं, इनफैक्ट उसके बाद भी उन लोग उन्हीं रेसेस से हायर करते रहते हैं और आज भी डेमोग्राफिकली वो रेसेस डोमिनेट करती हैं। इनफैक्ट देर इज इट्स अ होल डिफरेंट थिंग बट देर इज अ थ्योरी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी भी सेट नहीं हो पाई, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तानी आर्मी वॉज टू डोमिनेटेड बाई रेस ग्रुप दैट कंसिडर्ड देमसेल्व्स मार्शल, सो दे थॉट दैट नो वन हु इज नॉन मार्शल कैन रूल ओवर अस एंड दैट इज वाई democracy could never completely take hold in Pakistan, but that's a different subject. But is analysis se main ye kehna chahta hu ki uske baad ye hota hai ki 1870 ab these groups are not able to fight
ब्रिटिश. सो यू स्टार्ट सीइंग 1870s 1880s में वो सबसे पहले आनंद मठ आती है, आनंद मठ जिसमें वंदे मातरम था. और इस तरीके की कुछ, मैं आनंद मठ को इन किताबों में नहीं रख रहा हूँ, पर इस तरीके की कुछ कुछ किताबें जो रिलीजियस सिंबलिज्म को भारत के साथ, द नेशन के साथ एसोसिएट करके किताबों के थ्रू इंग्लिश फोर्सेस को अपोज करने की बातें करते हैं, बट ऑल्सो अपने कंसेप्शन में दे हैव अ वेरी हिंदू आइडिया ऑफ साउथ एशिया. आनंद मठ इज द फर्स्ट बुक जो आज हम भारत माता जैसे कहते हैं, द आइडिया ऑफ भारत माता कम्स फ्रॉम देयर. एंड देर वर सो बेसिकली एज वी गो इन टू द 20th सेंचुरी, वॉट वी सी इज दैट चाहे वो 1890s में हिंदू जो जो मैरिज एज एक्ट था जिसका ऑपोजिशन हो, या उसके बाद 1978 में जब कई हिंदू और इवन मुस्लिम लीग की कंसेप्शन शुरू हो, द आइडिया ऑफ रिलीजन एज काइंड ऑफ टूल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड देन इवेंचुअली योर ओन रिलीजन, इन केस ऑफ हिंदुइज्म लुकिंग एट नॉट जस्ट ब्रिटिश बट ऑल्सो द मुगल्स एज द आउटसाइडर्स बिगिंस इन. एंड द इंग्लिश डिड नॉट रियली हैव अ बिग प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज फर्स्टली दीज पीपल वर नॉट रियली फाइटिंग इन द सेंस ऑफ एक्टिव वायलेंस वाला फाइटिंग. दीज पीपल वर राइटिंग स्टफ एंड इन अ लॉट ऑफ दीज केसेस, जैसे जो कि मैंने कहा कि चाहे वो गीता प्रेस हो या जो चारू गुप्ता जी पैम्फलेट्स बात थी वो हो, ये ग्रुप्स आपस में ही भिड़ रहे थे. तो ब्रिटिश लीडरशिप को शायद उससे उतना मसला हुआ नहीं, पर अल्टीमेटली द रूट ऑफ दिस इज कि देर हैज बीन सम काइंड ऑफ मैस्कुलिन एंग्जाइटी दैट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड पोस्ट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन मेनी डिफरेंट हिंदू ग्रुप्स. एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव सीन ओवर द लास्ट 100 ईयर्स. 1925 में आरएसएस बनता है, इससे लेकर आज हम 2023 में मैनिफेस्ट इन द वेज दैट यू सी अराउंड यू. एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ मोदी के ऑपोजिशन में जो लोग हैं उनको या तो पप्पू पप्पू यानी कि छोटा बच्चा, या मफलर वाला खांसी वाला वीक, या दीदी अम्मा लाइक विमेन ऑब्वियसली नॉट मैस्कुलिन इनफ, और द ग्रेटेस्ट ईवल ऑफ ऑल फॉर द हिंदू एम्पायर जवाहरलाल नेहरू वॉज मैस्कुलिन बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव हिम इज नॉट मैस्कुलिन. सो वॉट ही वॉज अ व्यूमेनाइजर एंड ही वॉज नॉट सीरियस और यू नो हाउ एवर दे वॉन्ट टू पोर्ट्रे हिम. सो दीज आर ऑल वेरी मैस्कुलिन वेज टू काइंड ऑफ क्रिएट एन अस वर्सेस देम. मुस्लिम मैन इज ऑलवेज you know lustful toward the other women, the love jihad and all of that. So that is how basically that whole Hindu masculine anxiety piece came up, I guess. बहुत अगेन काफी सारा मैंने बोला, तो प्लीज मैं पॉज लेता हूँ, आप बोलिए आपको आपके जो भी थॉट्स हो. नहीं, इसमें तो खास तौर पर वो जो मार्शल और नॉन मार्शल रेसेस वाली बात है वो मेरे लिए एक नई चीज़ है. हो सकता है हमारे सुनने वाले भी इस पर आपसे थोड़ा सा और एनेक्जर जैसा चाहें. मसलन ये कि वो कौन सी रेसेस थी जिनको इस तरह से 1857 को अगर ध्यान में रखें तो थोड़ा साफ कीजिए कि किनको रखा गया नॉन मार्शल रेसेस में और किनको मार्शल रेसेस में. हाँ, तो प्री ब्रिटिश इंडिया वाज फेडरेशन ऑफ मेनी किंगडम्स. एंड जैसे अगर आप देखें कि हल्दीघाटी की लड़ाई, मान सिंह जो कि अकबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और महाराणा प्रताप के अगेंस्ट हुई. अब हम हल्दीघाटी अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई बोलते हैं, बट अकबर के मेन कमांडर तो मान सिंह थे. छत्रपति शिवाजी के आर्मी में नूर बेग और दरिया सारंग थे उनके कमांडर्स, जो कि मुस्लिम थे. और अब और
और ये लोग लड़ रहे थे अफजल खान और औरंगजेब से। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मिलिटरी सेंस में देर वॉज नो डिस्टिंक्शन प्री ब्रिटिश इंडिया। सब हम सब एक दूसरे से ही लड़ रहे थे और हिंदू मुस्लिम एक ही आर्मी में होके दूसरी तरफ भी हिंदू मुस्लिम की आर्मी से लड़ रहे थे और ये चल रहा था। 1857 में इंडियन ट्रूप्स पर्टिकुलरली इन बंगाल म्यूटिनी शुरू हुई बंगाल से। पर जो ग्रुप्स हु डिड नॉट लीव द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी वर द सिख्स, पंजाबीज, डोगराज, गोरखास, गढ़वाली और पख्तूनस यानी पठान। उन्होंने म्यूटिनी ज्वाइन नहीं करी और 1857 के बाद जब नॉर्मल सी आई तो यही वो ग्रुप्स थे जिनको मार्शल रेसिस का तमगा दिया गया। ये वही ग्रुप्स थे जिन्होंने जो उनके अगेंस्ट नहीं गए। और डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शल रेसिस ने बेसिकली ये कहा कि ये सोल्जर्स हैव द एबिलिटी टू बी इन द वॉर्स एंड दे आर वॉरियर लाइक एंड देर आर अदर ग्रुप्स लाइक द डिसलॉयल बंगाली और इवन द हाई कास्ट हिंदूज फ्रॉम वॉट इज नाउ यूपी हु आर नॉट हु नॉन मार्शल एंड द रिक्रूटमेंट वॉज बेसिकली स्टॉप्ड फ्रॉम दीज ग्रुप्स। बट सो यू कैन क्लियरली सी लाइक वेन यू सी the martial races and the 1857 report and you'll see that there is a clear distinction between who sided with the British and who did not side with them getting the martial non-martial race thing. तो वहां से जो मैं masculine anxiety की बात कर रहा हूँ वो पहले तो मैं एक बंगाली सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो 1879 में राजनारायण बोस एक किताब लिखते हैं हिंदू धर्म में श्रेष्ठ हो। नाम से काफ़ी क्लियर है मेरे हिसाब से। और फिर चंद्रनाथ बासु की 1892 में किताब आती है और उस किताब का नाम है हिंदुत्व, द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ द टर्म हिंदुत्व। कैलकटा रिव्यू ने उस किताब का रिव्यू किया और दे बेसिकली टर्म इट एज एन अ वर्क ऑफ हिंदू रिवाइवल। फिर मैं बंकिम चंद्र की हमने बात करी कि भारत माता और द कंसेप्शन ऑफ इंडिया एज भारत माता कम्स फ्रॉम देयर। और फिर 1909 में यूएन मुखर्जी ने कई लेटर लिखे, एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर आता था कलकत्ता में तब जिसका नाम ही था बंगाली विद टू ईस, कि हिंदूज आर अ डाइंग रेस एंड वी नीड टू हैव मोर, 1909 में मैं बता रहा हूँ कि हिंदूज आर अ डाइंग रेस एंड वी नीड टू हैव मोर किड्स टू मेक श्योर दैट द हिंदूज आर अप एंड फाइटिंग वॉट एवर, राइट। और वही यूएन मुखर्जी ने उस उन लेटर्स में बात करते हैं स्वामी श्रद्धानंद की जिनसे वो कलकत्ता में मिले थे। और ये श्रद्धानंद बाद में जाके हिंदू महासभा के फाउंडिंग मेंबर बनते हैं और 1979 में 70 साल बाद हिंदू महासभा एक किताब पब्लिश करती है हिंदूज अ डाइंग रेस। 1910 में एक नागपुर से यंग स्टूडेंट कैलकटा जाता है मिडिल कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पे वो अनुशीलन समिति के लोगों से मिलते हैं और कांग्रेस से उनका मोह भंग हो जाता है और वहाँ पे एसपी मुखर्जी वगैरह से मुलाकात के बाद वो वापस आके 1925 में आरएसएस बनाते हैं। ये हैं केवी हेडगेवार। ये तो रही बंगाल की बात। इन यूपी मैंने आपके चारू गुप्ता की किताब की बात करी कि किस तरीके से चारू गुप्ता की किताब का नाम है सेक्सुअलिटी ऑब्सिनिटी कम्युनिटी वुमेन मुस्लिम्स एंड द हिंदू पब्लिक इन कॉलोनियल इंडिया, ये नाम है किताब का। हाउ मिलिटेंट हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस इन द 1920s कंस्ट्रक्टेड अ मैस्कुलिन इमेज एज अ साइकोलॉजिकल डिफेंस टू द इमेजेस ऑफ द पावरफुल रैशनल ब्रिटिश एंड द लस्टफुल मुस्लिम। और
फिर गीता प्रेस के ऊपर, फिर उसी दौरान गीता प्रेस आती है 1920s में, और उसके ऊपर अक्षय मुकुल की एक बहुत ही अच्छी किताब है मेकिंग ऑफ, वो तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा। तो एसेंशियली मैं ये सब बताने का ये रीजन था कि सो इफ यू स्टार्ट काइंड ऑफ कनेक्टिंग द लिंक्स, यू विल सी कि दिस इज नॉट समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 10 ईयर्स। दिस फीलिंग इज नॉट दैट इज सडनली कम अप इन द लास्ट 10 ईयर्स। दिस फीलिंग हैज बीन सिमर्ड एंड क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 100+ ईयर्स, एंड यू आर सीइंग द रिजल्ट ऑफ इट इज राइट नाउ। आई मीन आप आज अभी भी आप जाएंगे तो पाकिस्तान में भी अभी हसन निसार एक फेमस जर्नलिस्ट है, उनका एक स्टेटमेंट काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था कि मेरा डीएनए तुम लोगों से अलग है, मैं मेरा ये बनियों का और ये दलितों वाला डीएनए नहीं है। इट इज अ क्लियर कंसेप्शन ऑफ, बिकॉज यू नो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो या पठान हो, ये सब मार्शल रेसिस में गिने गए थे। तो देर इज अ क्लियर आइडिया और इन द सबकॉन्शियस ऑफ अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी, विच इज ऑल्सो फैक्ट, कि दे आर बेटर देन द हिंदू इंडिया बिकॉज दे आर मोर मैस्कुलिन। और उस वजह से भी अ नंबर ऑफ टाइम, लाइक 65 में जब पाकिस्तान वॉर कोशिश करता है, तो द होल बहुत ही अच्छी स्टोरी है पाकिस्तानी, जिनका नाम मेरे दिमाग से भी बिल्कुल निकल जा रहा है, पर मैं आपको बाद में मैसेज करूंगा कि किस तरीके से ये बोल क्या रहे, वो एक एक मुस्लिम सोल्जर विल बी इक्वल टू 4 हिंदू सोल्जर्स और समथिंग, सो वी शुड इजीली गेट देम, एंड यू नो दिस इज एन ऑन गोइंग थिंग दैट कीप्स हैपनिंग। बट हाँ, तो दिस इज टू योर क्वेश्चन अबाउट मार्शल रेसेस। तो देखिए, हम लोग जिन जिस एक सेंट्रल इशू पर बात कर रहे हैं वो है कि किस तरह जो भी प्रिविलेंट राइट विंग एक उभार और इडियोलॉजी की तरफ एक आकर्षण जिसमें आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा, मतलब अपने एक विजुअल लैंडस्केप में कि कोई गोमूत्र पी रहा है तो कोई गोबर खा रहा है, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप कोई 21वीं सदी में रह रहे कोई एक सभ्यता को, मानव सभ्यता जहाँ तक पहुँच गई है उसके आगे वो सब कुछ आपको दृश्य पटल पर देखने को मिल रहा है इस एक पर्टिकुलर इडियोलॉजी की उछाल और उसके साथ जो जोश अभी पैदा हुआ। हम लोग यही सब तो बातें कर रहे हैं, और ऐसा बातें करते हुए हम कुछ जजमेंटल होने की शायद जल्दबाजी में नहीं है, हम थोड़ा उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर है क्या, मतलब हम एक सभ्यता के इस पड़ाव पर जबकि हमें चांद पर भी कल जाने की थोड़ी खुशी हो रही है, तो ये सब में हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कोई पूछ सकता है कि या एक बहस करने के लिए कोई बहस कर दे कि भाई आपको परेशानी क्या है, हम मुसलमानों को तो एक अलग देश चाहिए था उनको मिल गया, अब हिंदुओं को एक हिंदू देश बना लेने दो, उसमें क्या परेशानी है उनको, बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है बताइए। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको क्या परेशानी, पर उससे मैं एक छोटी सी बोलता हूँ। अगर आप किसी भी ग्रुप को ये फील कराएंगे ना कि वो कॉर्नर हो रहे हैं, तो उनका रिएक्शन यूजुअली ऐसा होगा कि वो अपनी आइडेंटिटी को और जोर से पकड़ेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 9/11 और उसके बाद द रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, कि आप देखेंगे कि वो जो पोस्ट 9/11 मुस्लिम जनरेशन है, मतलब पहली बार शायद ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है जहाँ पे बेटा बाप से ज़्यादा रिलीजियस है, बेटे की दाढ़ी बाप से ज़्यादा लंबी है। और उसका सिंपल सा रीज़न है कि आपने कॉर्नर फील कराया, कॉर्नर फील कराया ग्रुप को, तो उनकी जो आइडेंटिटी उनके लिए सबसे खास थी, उन्होंने उसको जोर से पकड़ लिया। ऐसा नहीं है हिंदू खतरे में नहीं है इंडिया में, बिल्कुल भी नहीं है, पर अगर आप उनको ये फील कराते रहेंगे तो वो भी ऐसे रिएक्ट करेंगे। और इसीलिए शायद आप तो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, मुझे नहीं पता कि 1970s और 80s
और 90s में आपने कितने लोगों को मूत्र या गोबर के साथ इस तरह के कुछ करते हुए देखा जितना आप अभी देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसका रीजन मुझे ये लगता है, मेरा अजम्पशन है कि पहले नहीं देखा और अभी ज्यादा देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे उसका रीजन ये लगता है कि ये कुछ लोग हैं जिनको आपने जिनको ये फील करा दिया गया है थ्रू फॉल्स मीन्स अकॉर्डिंग टू मी कि तुम खतरे में हो और तुमको कॉर्नर किया जा रहा है एंड दे आर रिएक्टिंग दिस वे। सो ये तो रही ये बात कि क्यों ये सब होता है, मैं जजमेंटल होने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक सिंपल सा एक्शन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल टू यू, आपने मुझसे पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है हिंदू भारत होने से, क्योंकि मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे, स्पेशली अगर कोई राइट विंग से पूछता तो और अच्छा होता, बट मैं तो एक अपर कास्ट हिंदू हूँ और जो आज का इंडिया है वो मेरे लिए एकदम ऑप्टिमाइज है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है आज के इंडिया में, तो मुझे सारा प्रिविलेज और सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं, और तो फिर क्या प्रॉब्लम है। देखिए मैं बहुत समय तक मैं भी ऐसा सोचता था कि देर इज अ मुस्लिम पाकिस्तान, देर इज अ मुस्लिम बांग्लादेश एंड दैट इज वाई पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड, बिकॉज मुस्लिम्स वॉन्टेड टू लीव एज अ सेपरेट कंट्री एंड सो देन वॉट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट येस सम मुस्लिम्स इन साउथ एशिया थॉट कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन द इन वन कॉमन लैंड मार्क एंड दैट इज वाई दे वॉन्ट अ सेपरेट कंट्री, बट जो हिस्सा रह गया जिसे हम इंडिया कहते हैं उसमें मैं भी हूँ और आप भी हैं, और अगर हमने खुद को हिंदू इंडिया बना दिया तो हम उन लोगों को सही प्रूफ कर देंगे जिन्होंने डे वन से कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कंट्री हैं। अब उनको सही प्रूफ करना या नहीं करना इज नॉट दैट बिग डील, पर मेरा पर्सनल विजन ये है कि 1947 में क्या हमारी लीडरशिप नहीं बना सकती थी इंडिया को हिंदू इंडिया, वो बिल्कुल बना सकते थे, पर जब जब तक ये इंडिया डाइवर्स और सेक्युलर और सिंक्रेटिक रहेगा तब तक आप हर दिन पाकिस्तान को या इस तरीके के सोच से क्रिएटेड कोई भी कंट्री चाहे वो इजराइल भी हो को आप बता सकते हैं कि देर इज अ डिफरेंट वे टू लिव एंड देर इज अ डिफरेंट फिलोसफी दैट इज अलाइव एंड एवरी डे दैट इंडिया इज सेक्युलर एंड थ्राइविंग एंड has Muslims living in India who are happy, peaceful and prosperous is another day where you prove that the whole creation of Pakistan was based on an incorrect theory. And actually, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम लोग मतलब वो लोग जो अखंड भारत करते हैं, अगर तुम सच में बिलीव करते हो अखंड भारत में तो तुमको तो मतलब मेरे साथ होना चाहिए, because the only way to prove that there could be a thing like अखंड भारत is to prove that the two nation theory is false. And the only way to prove that the two-nation theory is false is by proving that an Indian Muslim can live in India and grow and prosper and have all the opportunities that anyone else in India can. And that is our country, right? So, ye hai mujhe pareshani. Aapko kya lagta hai? Nahi, matlab... फिर तो वही बहस को बढ़ाने वाली बात होगी कि फिर हम तो भाई टॉलरेट कर ले रहे हैं इस नाम पर कि भाई इसको एक अखंड भारत रहने के लिए साथ में रह लो, लेकिन फिर पत्थर क्यों मारते हो? फिर पत्थर मारोगे तो फिर हम नहीं रहने देंगे। अब ये तो फिर वो उस बात पे अब यहाँ पे तो एक डिसएग्रीमेंट यहाँ पे आ जाता है ना कि कौन पत्थर मार रहा है, कितने पत्थर मारे जा रहे हैं, और आपके और मेरे तक जो न्यूज़ पहुंची है पत्थर मारने की उसमें सच क्या है और मिलावट कितनी है, वो भी तो सवाल है ना। कुछ जगह डेफिनेटली जैसे कश्मीर कुड बी एन एग्जांपल, जहां पे क्या जुमे की नमाज के बाद पत्थर फेंके गए हैं, क्यों फेंके गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आ जाता है सर कि यहाँ पर
मेरे व्यूज एक स्टैंडर्ड इंडियन के व्यूज से थोड़े शायद अलग होंगे, तो मैं अरुंधति रॉय के लिखी हुई किताबों का सहारा लेके ये कहना चाहूंगा कि आप किसी को भी आउटसाइडर फील कराओगे स्पेशली विथ फोर्स, तो दे विल आई एम रेडी टू बी प्रूवन रॉन्ग, बट आई फील अ लॉट ऑफ कश्मीरीज हैव स्पेशली आफ्टर द 90s स्टार्टेड टू सी द इंडियन मिलिट्री इन कश्मीर एज एन ऑक्यूपाइंग फोर्स. नाउ इज इट राइट और इज इट रॉन्ग इज अ सेपरेट डिबेट, बट डू दे सी इट? यस. एंड एज मच एज यू कैन नॉट ब्लेम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स टू फाइट हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, यू कैन नॉट प्रॉब्ली ब्लेम देम. मनमोहन सिंह व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ही टॉक्ड अबाउट द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन मेनलैंड इंडिया एंड कश्मीर, एंड द ओनली वे टू मेक दिस चैलेंज गो अवे इज टू ब्रिज दैट ट्रस्ट डेफिसिट. एंड इंस्टेड व्हाट आर वी डूइंग? और रही बात दूसरी जगह की, मेनलैंड इंडिया जिसे हम कह रहे हैं और वहाँ पे पत्थर मारने की चीज़ की, तो यार मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर. जी यूपी ठीक है, इस देश में मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, योगी जी हैं चीफ मिनिस्टर. एक मिनट के लिए मैं फर्ज करता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ जो यूपी में रहता है, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ अगर मुझे लगता है इन सब के बीच मुझे जाके पत्थर मारना चाहिए, बिकॉज आई विल बाय डूइंग दैट आई विल समहाउ प्रूव अ पॉइंट. लाइक इतना, अगर आपके हिसाब से जो आपका दुश्मन है वो इतना बेवकूफ है तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए, तो फिर तो दे विल मेक अ मैस ऑफ देयर ओन थिंग. आई मीन थिंक अबाउट इट, हैविंग लाइक द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया रूल्ड बाय लाइक लिटरली समवन जिनका नाम योगी है और प्रधानमंत्री इस देश के, जो ओपनली मतलब हिंदू नेशनलिस्ट है, उस देश में अगर मैं एक मुसलमान हूँ जो साजिश कर रहा हूँ, तिक्रम कर रहा हूँ कुछ करने की, तो इतने ओपन आके पत्थर फेंक के मैं कितना बेवकूफ हुआ मुझे बताइए. नहीं लेकिन लार्जली टू योर पॉइंट, एंड आई नो कि राइट विंगर विल डिसएग्री विद मी, बट आई थिंक द डेटा प्रेजेंटेड टू देम अबाउट द वायलेंस, स्पेशली वायलेंस दैट इज हैपनिंग फ्रॉम द मुस्लिम साइड, इज ग्रेटली एग्जैजरेटेड. तो ठीक है राज, हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में आए हैं, लेकिन हम एक बार फिर जहाँ से हमने बात शुरू काम का की कई कई सारी जगह चले कई सारी जगह चले गए हम लोग. नहीं नहीं वो जरूरी था, क्योंकि मैंने आपके दोनों ही लेख पढ़े, और शायद मेरी बदकिस्मती है कि आपका रेगुलर लिखा हुआ मैं नहीं पढ़ पाया, अब शायद ढूंढ कर पढ़ूंगा जिसमें मैं कुछ नए तरह से सोचने के लिए कुछ एक राह पा सकूं. मुझको ये बताइए कि खुद आप तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहां बैठकर जब आप भारत के, खुद आप जबलपुर में आपका बचपन गुजरा ये ठीक है, लेकिन जब आप वहां बैठकर ये देखते हैं और हम यहाँ सुनते हैं ड्राइंग रूम गपशप में, भारत का नाम विदेशों में बहुत हो गया है, मतलब ये शायद पिछले 70 वर्षों 75 वर्षों में कभी नहीं हो पाया कि विदेशों में भारत बहुत उसका नाम हो गया है. तो आप भी अमेरिका जैसे एक बड़े देश में रहते हैं, क्या सचमुच भारत का बहुत नाम हो गया है? अब पहली चीज हमको इसके बाद ये करनी है, इस डिस्कशन के बाद, कि आप मुझे और मैं आपको ट्विटर पे फॉलो करें, ठीक है? उसका कारण मैं आपको बताते हैं. जी अभी जब मोदी जी आए थे तो मैंने करीब 3 दिन अपने ट्विटर फीड पे पोस्ट शेयर कर की, जब भी किसी अमेरिकन वीडियो या प्रिंट न्यूज ने इस बात का जिक्र किया कि मोदी US आए हुए हैं. और आप यकीन माने कि पहले 30 घंटे तो मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स के 11वें पन्ने और CNN की वेबसाइट में इंटरनेशनल सेक्शन में एक 2 मिनट के वीडियो और रॉयटर्स के एक 2.5 मिनट के वीडियो के अलावा कुछ मिला नहीं. उसके बाद होता यह है कि
पूर्व राष्ट्रपति यूएसए ओबामा का एक इंटरव्यू आता है सीएनएन में, वो इंटरव्यू का कारण था उनका जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने उसके लिए था, बट उसमें उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तरफ तो किस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की बात आ रही है आप ये सुनिए कि एक तरफ तो हम चाइना के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड की बात करते हैं और उसको प्रपोज करते हैं, बट आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन यूएस हु हैज अ वेरी डार्क रिकॉर्ड इन इंडिया अगेंस्ट द इंडियन मुस्लिम्स, तो व्हाट वुड यू वांट टू से टू दैट। और फिर उसको उन्होंने जवाब दिया और एक अलग किस्म का पूरा छिड़ गया। और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें क्वेश्चन पूछा जो अनफॉर्चुनेटली एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम वुमेन ने पूछा मोदी जी से अबाउट इंडियन मुस्लिम्स, और उसको लेके भी एक पूरा सबको आपको तो पता ही होगा सब कहने का मेरा ये है कि हैड दीज टू थिंग्स नॉट हैपेंड शायद एक आम अमेरिकन को पता भी आज भी एक आम अमेरिकन को अगर मैं जाके पूछूं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है तो वो नहीं बता पाएंगे। द ओनली पीपल हु आर सुपर एक्साइटेड आर इंडियंस लिविंग हियर एंड इंडियंस लिविंग एनीवेयर देन मोदी कम्स देयर, बिकॉज हिस्टोरिकली हमारे देश से भी जो इमिग्रेशन का पैटर्न है वो भी इतना फिल्टर्ड है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु इमिग्रेट आउट ऑफ इंडिया आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक ग्रुप विच इज अर्बन अपर कास्ट हिंदू एंड दे आर। और दूर से तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, आप जब दूर होते हैं तो इंडिया की बहुत याद आती है ना, तो और खूबसूरत लगता है इंडिया तक, तो फिर मोदी जी आते तो और अच्छा लगता है। बट द ब्रूटल रियलिटी अनफॉर्चुनेटली इज दैट मैं जब यूएस आया था 12 साल पहले उस वक्त टाइम मैगजीन, उसके एक दो साल पहले टाइम मैगजीन के कवर में एक कार्टून बना हुआ था एक हाथी का और एक शेर का, एंड इट वॉज अबाउट द नेक्स्ट सेंचुरी बींग अबाउट चाइना एंड इंडिया। पिछले 10 सालों में चाइना ने हमें इतना पीछे छोड़ दिया कि हमारा चाइना के साथ नाम नहीं लिया जाता है। और वो क्यों हुआ एक पूजा मेहरा एक इंडियन इकोनॉमिस्ट राइटर है जिनकी किताब द लॉस्ट डेकेड, वो भी मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगा अगर कोई सुन रहा है पढ़ना चाहे तो, क्योंकि मुझसे बहुत बेहतर तरीके से वो शायद वो समझा सकेंगी। द लॉस्ट डेकेड किताब का नाम है। तो ये है रियलिटी। अच्छा, अभी तो हम लोग जिस मुकाम पे खड़े हैं खास तौर पर हिस्ट्री रिविजिट करने रीराइटिंग करने, तो ये सारी बातें जो हमारे आपके बीच में हो रही हैं उसको तो इस तरह भी माना जा सकता है कि ये सब कुछ जो सिकुलर और डिब्रांडू ये वाले जो लोग हैं ये लोग तो मतलब कहाँ से इनके पास हिस्ट्री, तो एंटी नेशनल सोर्सेज ही इनके पास गलत हैं तो फिर उससे इन्फ्रेंसेस भी वो गलत निकालेंगे। तो इस तरह से हमारी और आपकी बातें कहिए कि एक तरह से टाइम पास ही हैं, क्योंकि उसको नई इंडिया में नई हिस्ट्री राइटिंग की रोशनी में तो बेकार ही माना जाएगा, क्योंकि हम जहाँ जहाँ से चाहे आप चारू गुप्ता की बात लाइए या प्रिया जी की बात लाइए या आप रजनीपाम दत्त से लेकर के आप किसी की बात रोमिला थापर की बात कर लीजिए, अरुंधति राय का नाम आपने लिया ही, जिनको आपने किसी लेख में सूर्पणखा के बारे में शायद बताया था, कोई एक चैनल उनको सूर्पणखा बोलता है। हाँ, वो हिंदू मैस्कुलिनिटी वाले में, यस। तो इस तरह से हम लोगों की ये सब जो बातें हमारे सुनने वाले से टाइम पास ही ज्यादा समझें, क्योंकि इसमें जो भी हिस्टोरिकल रेफरेंसेज और एविडेंसेज आ रहे हैं वो तो अब नए सिरे से नए इंडिया में लिखे जाने वाले हैं। क्या बोलते? बिल्कुल 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 सही। इनफैक्ट मैं आपके साथ मैंने 2 साल पहले न्यूज लॉन्ड्री पे एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल कुछ ऐसा था कि व्हाई डज ट्रूथ डज नॉट सीम टू मैटर एनीमोर, और फैशिस्ट वर्ड हम बहुत इजीली यूज कर लेते हैं तो, पर द थिंग इज कि फैशिस्टिक लीडरशिप का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है टू अटैक द मीडिया।
दे अटैक द मीडिया बिकॉज, देखिए आपने ये नहीं देखी दुनिया गोल है ना, मैंने देखा दुनिया गोल है, हमें और आपको स्कूल में किसी टीचर ने बताया और समझाया, और क्योंकि हमको टीचर पे भरोसा था तो हमने यकीन कर लिया कि दुनिया गोल है। और शायद आपके और मेरी दोनों की लाइफ में हम कभी ये देख भी नहीं पाएंगे कि दुनिया गोल है कि नहीं है, बट हम मानते हैं कि गोल है। कुछ यही रोल जर्नलिस्ट और मीडिया का होता है सोसाइटी में, जो एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ उस मोमेंट में क्या है वो हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। बट जब आप उस मीडिया या जर्नलिस्ट के कैरेक्टर पे ही आप क्वेश्चन करने लगे, तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है कि वो जो ट्रूथ बोलेगा उस ट्रूथ को भी लोग क्वेश्चन की निगाहों से देखने लगे। एंड व्हाट दैट डज इज देन इट हेल्प अलाउज यू टू क्रिएट अ पैरेलल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं वो काफ़ी देर बात कर रहे हैं उस बारे में, शायद कभी और बात करें, बट मैंने उस आर्टिकल में मुसोलिनी और स्टालिन जैसे लीडर्स और चाइना के एग्जाम्पल उठा के दिखाया कि वहाँ पे भी इस तरीके से चीज़ों को किया गया है। आज भी चाइना में 1960s में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में 4 मिलियन लोगों की मौत हुई है या टियानामेन स्क्वायर है, उसके बारे में कोई अग्रीमेंट नहीं है या नॉलेज भी नहीं है शायद, या बात भी नहीं करते। दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। सो आई एम नॉट सरप्राइज कि आपकी और मेरी बातें या किसी और की बातों को उस वेट के साथ नहीं देखा जाता है, बिकॉज द फर्स्ट थिंग आई मीन सर, मैं एक चीज में दिमाग में रह रहा गया थी, जब 26/11 हुआ इंडिया में, तो एक चैनल है इंडिया में इंडिया टीवी, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक बहुत ही खास रजत शर्मा जी का चैनल है। अब आई डोंट नो कि मैं, मुझे कितने नाम लेने चाहिए यहाँ पे, मैं ले रहा हूँ, अगर आपको ये कुछ एडिट करना तो प्लीज़। बट उस चैनल ने एक प्रोग्राम रन किया वेयर दे प्रटेंडेड दैट दे हैड अ डायरेक्ट लिंक टू वन ऑफ द टेररिस्ट इन द ताज होटल, एंड इट वॉज फेक, ऑब्वियसली इट वॉज फेक। बट ना उन पर कोई कार्रवाई हुई ना कोई सवाल हुआ है, और हम बस अगला दिन आ गया जैसे हर दिन आता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं फिर, क्या होगा देश पर? तो हाँ, अनफॉर्चुनेट है ये, और इस वजह से कई लोग जो हम शुरू में कह रहे थे कि जो इन्फ्लुएंसर और उस तरफ चले जाते हैं, कोई ऑपोजिशन नहीं मिलता। हमने बियर बाइसेप्स और आनंद रंगनाथन और जी साई दीपक की बात की, मेरे आर्टिकल में साई दीपक के बारे में मैंने बात करी कि ऑब्जेक्टिवली फॉल्स फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिवली फॉल्स कि इंडिया हैज ऑलवेज हैड अ हिंदू इंडिक फिलोसफी, इंडिया हैज मैनी डिफरेंट ट्रेडिशंस गोइंग एज फार एज 2000 लोकायत ट्रेडिशन था, देर वॉज अ लार्ज बुद्धिस्ट एंड जैनी पॉपुलेशन and philosophy, but those things are presented without any opposition, and then we land up in a place where we call Gandhi a CIA agent, and फिर आप और मैं क्या, किस खेत की मूली है? हाँ, तो कुल मिलाकर ये है राज जी कि हम लोग ये सब बातें इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम अपने प्यारे देश से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि वो और आगे जाए और वो जहाँ था उससे आगे बढ़े, जिसको हमारे दोस्त महमूद फारूकी कहते हैं कि हिंदुस्तान जन्नत निशान। तो हिंदुस्तान जन्नत निशान को सचमुच जन्नत की तरह, स्वर्ग की तरह अगर हमें बनना है, तो वही शायद सपना, वही चिंता है जिससे हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो लेकिन आप खुद अपने भारतीय जनता पॉडकास्ट में भी इन मसलों को एक दूसरे अंदाज में, तो क्या है मतलब, आपको कुछ उम्मीद लगती है कि हम लोग एक सिविलाइजेशन के तौर पर कहीं सचमुच वापस आ पाएंगे? उम्मीद है तभी तो आप और हम हैं। आपने जो कहा कि मेरे हिसाब से वो लोग जो हमेशा झंडा हाथ में लेके दौड़ते हैं और हर बात पे भारत माता की जय बोलते हैं, उनसे कई ज़्यादा पेट्रियोटिक आपके अरुंधति रॉय जैसे लोग, ये लोग हैं
बिकॉज टू ऑनेस्टली लुक एट द प्लेस यू कम फ्रॉम एंड टू ऑनेस्टली बी एबल टू एग्जामिन इट्स ब्यूटी एंड इट्स फ्लॉज इज वॉट अ ट्रू पेट्रियट शुड बी डूइंग. एज फार एज होप, I mean, there is hope. I mean, there are countries have gone through this and have come out on the other way. I mean, look at Germany. So hope to hai, but us hope aur aaj ke beech mein ek bahut lamba time hai jo bahut dark hai, aisa mujhe lagta hai. And I do not like, I mean, even if elections happen and governments change, people will not change. The things that you see on WhatsApp and social media, that will not change. So, mere liye to bhai, leadership or governance is just a symptom of a very deep problem that we have. And I don't know ki how long it will take to kind of change that. But yeah, hope, there is hope. There is hope because things have changed at other places. History has shown us that things change. So things will change. ठीक है राज, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सुनने वालों की तरफ से, और उम्मीद है कि इसमें कुछ जो बातें रह गई होंगी उसको हम लोग फिर अगले किसी पॉडकास्ट में जरूर करना चाहेंगे. उम्मीद है कि आपको करके मजा आया. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच. और हाँ, कई सारे टॉपिक्स हैं जो शायद और डिस्कस किया जा सकता है आगे चल के, तो बिल्कुल. But thank you so much for having me. Thank you, Raj. Thank you very much. हमारे साथ आज थे राज शेखर सेन, जिनसे हम लोग इंटरनेट और अकेलेपन और उदासी और राइट विंग राजनीति के उभार के इस कॉम्प्लेक्स गठबंधन पर कुछ चर्चाएं कर रहे थे. सुनते रहिए लिसन विद इरफान, मिलेंगे अगले गेस्ट के साथ बहुत जल्दी.